नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चनिटी ऑफ अ पैल पेट कपैसिटर विद नो डायलैक्ट्रिक सबस्टेंस बट विद द सेव सॉरी पॉइंट फोर सेंटीमीटर इज टू माइक्रोफेरेड अब उसके बाद हमने क्या किया दपरेशन इज रिड्यूज टू हाफ एंड इज फिल्ड विद द डायलेक्ट्रिक सबस्टेंस ऑफ टू पॉइंट एट सवाल है फाइनल कपैसिटी ऑफ द कपैसिटर क्या होगा अगेन सिंपल सवाल है बेसिक फॉर्मुलस पर जाएगा सो so, हमें पता है किसी भी कैपेसिटेंस का किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लिखते हैं नॉट मल्टीप्लाइड बाय के ए डिवाइड बाय डी लाइट और इसको हम कह सकते हैं क्योंकि एप्सलनाट और ए की बात नहीं हो रही है तो हम कह सकते हैं विच एम्प्लाइज आपका सी इज़ प्रपोर्सनल टू के डिवाइडेड बाई डी ये आपका सी की प्रपोर्सनैलिटी है अब हमें यहाँ पर अगर लिखना है सी टू डिवाइड बाई सी वन उसको हम लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू के टू डिवाइड बाई के वन डायरेक्टली प्रपोजनल मल्टीप्लाइड बाई डी वन डिवाइड बाई डी टू डी वन और एक काम करते हैं सी वन को यहाँ ले आते हैं ठीक है इससे आपका डायरेक्ट uh, सी की वैल्यू आ जाएगी हालांकि सो so बस यहाँ डेटा डालना है और अपना आंसर आ जाएगा जो डेटा आपने को दिया हुआ है सी टू जो आएगा अपना विल बी इक्वल टू पहले हमारा जो मटेरियल था वो था एयर जिसका कैपेसिटर आपका डायलेक्ट्री कांस्टेंट होएगा वन बाद में हमने यहाँ फिल कर दिया टू पॉइंट एट अच्छा जो पहले आपका सेपरेशन था वो था 0.4 सेंटीमीटर तो इसको आप लिख सकते हैं 0.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस टू इसको हम डिवाइड करेंगे बाद में जो हमारा सेपरेशन था उसको हमने हाफ़ कर दिया हाफ़ करने का मतलब ये है ये आ गया 0.2 पॉइंट टू इंटू टेन टू द पावर माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय आपका जो इनिशियल कैपेसिटर था वो था टू माइक्रोफेरेड टू माइक्रो है बस इसको सॉल्व करना है सो so, uh, ये उड़ जाएगा यहाँ पर आपका ऊपर टू रह जाएगा तो टू पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाई टू विल बी इक्वल टू फाइव पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट सिक्स को फिर हम टू uh, से मल्टीप्लाई करेंगे सो इलेवन पॉइंट टू तो अपना आंसर हो गया 11.2 पॉइंट टू माइक्रोफेरेट सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इलेवन पॉइंट टू वुड बी द राइट आंसर